आज मैं प्रश्नावली 3.2 का 6 क्वेश्चन लाया हूँ, तो देखते हैं। एक रैखिक समीकरण इतना दिया है, दी गई दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूपण जैसे कि प्रतिच्छेद रेखा करती हो। तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में एक समीकरण दिया, दूसरा समय इसका बताना है। तो पहले लिख देते हैं फर्स्ट का लिखते हैं। तो दिया क्या है, फर्स्ट समीकरण दिया हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और सेकेंड हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेद रेखा का हमारा कंडीशन होती है a1, ये हमारी कंडीशन है प्रतिच्छेद a1 a2 बराबर नहीं है हमारी b1 b2, ये भी नहीं है c1 c2 के। ये कौन सी हमारी रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है हमारी। अब इसी के अकॉर्डिंग रहें तो हमारा क्या सेकेंड समीकरण क्या हो सकता है, हमारा जो हमारा ये है 2, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 3 ले लिया x का मान प्लस। अब b2 में लेना है कि ये क्या 2/3 हो गया, तो ये 2/3 ना हो तो इसको हम 4 ले लेंगे, ये हो गया हमारा। और ये -8 है और इसके सेम ना है तो कुछ भी ले सकते हैं, इसमें तो चेन अलग अलग रखना है तो लिख सकते हैं -9 ले लिया। अब देख लीजिए ये बराबर, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो गया। अब देख लीजिए ये क्या आएगा 2, अब जब मान ये पुट करेंगे क्या आएगा 2/3 आ गया बराबर 3/4 आ गया बराबर -8/-9 आ गया, ये कट जाएगा, ये कंडीशन बराबर नहीं है तो ये हमारा सेकेंड समीकरण निकल आया। इसी तरह सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है इसका समांतर रेखा की हमारी कंडीशन होती है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, मगर ये हमारी चेंज होती है, बस ये हमारी है समांतर रेखा। अब इसके अकॉर्डिंग रख लें तो क्या फर्स्ट हमारी क्या 2 है, तो सेकेंड समीकरण में क्या ले सकते हैं, मान लीजिए 4x ले लिया, ठीक 4x ले लिया तो 2 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 6y ले लिया, थर्ड हमारी जो वो इक्वेशन है वो चेंज होनी चाहिए, ये होगा हमारा। तो इसमें क्या इसमें ले सकते हैं माइनस का, मान लीजिए ले लिए हैं 9 है, ले लेंगे वो। अब देखिए रख के चेक कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 2/4 आएगा बराबर 3/6 बराबर -8/-9, ये कट जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, वो ये भी 1/2 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये सेम आ गई, ये सेम नहीं आई, तो जो ये हमारा सेकेंड समीकरण है यही आंसर होगा इसका भी। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ताना संपाती रेखा। तो संपाती रेखा की हमारी कंडीशन होती है तीनों में से a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तो सब में सेम होना चाहिए, तो इसके लिए समीकरण ले सकते हैं, यही वाला उठा के ले सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा 4x हो गया प्लस 6y हो गया और यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे 1/2 रहा तो इसका भी 1/2 का माइनस 8 में 16 तो 16 हो जाएगा, ये हो गया हमारा सेकेंड समीकरण इसका। अब कंट चेक कर लेते हैं सही है, 2/4 हो जाएगा बराबर 3/6 हो जाएगा बराबर -8/-16 हो जाएगा, तो ये कट गया 8 + 8 = 16, 3 + 3 3 × 6, 2 + 2 2 × 4। अब देखिए सारी कंडीशन सेम आ रही इसके अकॉर्डिंग है, तो ये हमारा ये जो सेकेंड ये समीकरण है तो ये इसका सेकेंड समीकरण है हमारा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।